ये खाकी चटियां, ये जाफरानी चेहरे, इन्हीं में ढूंढो मुल्क के गद्दार निकलेंगे। हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद, टीपू सुल्तान, ये तमाम लोग पाकिस्तान जाने के लिए आजाद लेकर रहे थे, यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने के लिए आजादी कराए थे। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के MP MLA कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ, मैं कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे देश का, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री बगैर बोले पाकिस्तान जाके जो बिरयानी खाया, आपको बिरयानी खाना है, उसने पाकिस्तान आपको याद आ रहा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। क्योंकि कल हमारी बहन ने, एक बहन ने तमाम गिदड़ों के सामने बता दिया कि नारा बुलंद कर अल्लाह अकबर का, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारी बाप की मेराज है। तो आप लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ना हम मजबूर निकलेंगे, ना हम लाचार निकलेंगे, जबी भी खबरें खोदो बार बार हम निकलेंगे। ये खाकी चटियां, ये जाफरानी चेहरे, इन्हीं में ढूंढो मुल्क के गद्दार निकलेंगे। यहाँ पर जिलानाबाद नौजवानों की जानिब से जो हिजाब के ताल्लुक से जो स्टेट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में हिजाब को कॉलेजों में जो पाबंदी लगाई गई है, उसके खिलाफ यहाँ पर हम एहतजाज करने के लिए जो जिलानाबाद से नौजवान पैदल और ख्वातीन पैदल मिली विधानसभा तक यहाँ पर आकर अपने एहतजाज को दर्ज कर रहे हैं। ये दर्ज करने का ये मतलब है यहाँ पर हमारा एहतजाज, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि मैं नया भारत बनाऊंगा, मैं उनको बताना चाहता हूँ जो एक स्कूल में बैठकर, एक कॉलेज में बैठकर हमारी माँ बहन नौजवान साथी जो पढ़ते हैं उनको ये सबक सिखा रहे हो आप, उनके भाईचारे को, उनमें दुश्मनी पैदा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं वो RSS के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप कितनी भी फूट हमें डालिए, लेकिन ये जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब का ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को जब हमने आज़ाद कराए थे, आज़ादी जो आज़ाद कराए थे, जो आज़ादी के अंदर हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, टीपू सुल्तान, ये तमाम लोग पाकिस्तान जाने के लिए आज़ाद लेकर रहे थे, यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने के लिए आज़ादी कराए थे। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के MP MLA कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ, मैं कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे देश का, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री बगैर बोले पाकिस्तान जाके जो बिरयानी खाया, आपको बिरयानी खाना है, उसने पाकिस्तान आपको याद आ रहा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। क्योंकि कल हमारी बहन ने, एक बहन ने तमाम गिदड़ों के सामने बता दिया कि नारा बुलंद कर अल्लाह अकबर का, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारी बाप की मेराज है। तो आप लोग वो ख्वातीन से, वो लेडीज से सीखना चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर पूरा एक जज्बा, ईमानी जज्बा लेकर जो नारा वो गिदड़ों के सामने लगाया। अगर भगवा झंडा लेकर तुम जब जहाँ पर देश का झंडा चढ़ता है वहाँ तुम भगवा झंडा चढ़ाते हैं, तो इनके ऊपर देश द्रोह का मुकदमा होना चाहिए। कोर्ट का फैसला हमारे संविधान के हिसाब से, कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हित में आना चाहिए, जमहूरियत के हित में आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलशन है, हिंदुस्तान एक बाग है, बाग के अंदर हर नमूने का फूल है, उसमें भी एक मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, दलित है, ईसाई है। तो ये बगीचे को जो आग लगाने का काम RSS भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं लोगों को बताता हूँ, आग लगेगी तो उसकी लपेट तुम पे भी आएंगी। ये ना समझना कि मुसलमान चूड़ी पहनकर बैठा है, मेरे भाइयों सर पे कफन बांधकर हम भी रोड पे निकले हैं, लेकिन संविधान की कसम हम इसलिए संविधान को मानने लें, इसलिए खामोश हैं। जिस दिन हम संविधान को मानना छोड़ेंगे, उस दिन तुम पाकिस्तान जाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।